So the question says that take an example of a rocket having a mass of 5,000 kilograms. The diagram represents magnitude of forces acting on it. Using Newton's second law, the resultant force and the acceleration can actually be calculated. So ये 5,000 kilograms है. अच्छा आप देख रहे होंगे इसका weight कुछ और है, इसका mass कुछ और है. देखो जरूरी नहीं है कि मैं Earth के ऊपर बात कर रहा हूँ. So let's say it's another planet. The rocket is on some other planet, जहाँ पे gravity की value कुछ और exist कर सकती है. तो उसकी वजह से उसका weight वहाँ पे जो बन रहा है वो 10,000 newtons बन रहा है, लेकिन जो उसका mass है वो 5,000 kilograms था. क्योंकि जनरली वेट का फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, वो होता है W equals mg. ये वेट का फॉर्मूला होता है आपके पास. अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो होती है 10. तो जो मास होता है वेट उससे 10 टाइम ज्यादा आता है आपके पास. तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि भाई 2 थी. जिस भी प्लेनेट पर मौजूद थे जहां से रॉकेट लिफ्ट ऑफ कर रहा था वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2 मौजूद थी. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप रिजल्टेंट फोर्स भी निकालिए और एक्सेलरेशन भी मालूम कीजिए, दो चीजें आपने कैलकुलेट कर ली. तो देखिए भाई, एफ नेट अगर मुझे मालूम करना है तो जनरली फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स से हो जाता है. अगर आप इस रॉकेट को देखिए तो इस रॉकेट पे जो अपथ्रस्ट आ रहा है वो 20,000 न्यूटन का आ रहा है, जिससे वो रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट होना चाह रहा है. उसको अपोज करने वाली एक ग्रेविटी फोर्स है और एक उसका वेट है. ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस है. तो अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए, इट्स गोना बी 20,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000. मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, बाकी दोनों फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर कर लिया क्योंकि वो अपोज कर रही थी उसके मूवमेंट को. मेरे पास जो नेट फोर्स आई वो आ गई 8,000 न्यूटन. दिस इज आवर रिजल्टेंट फोर्स. यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एफनेट इक्वल्स एम अप्लाई किया हमने, द रिजल्टेंट फोर्स इज 8,000 न्यूटन. मास हमारे पास 5,000 किलोग्राम्स. एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है कि भाई जिस भी प्लैनेट पर था रॉकेट जहां से वो लिफ्ट ऑफ कर रहा था तो वहां पे एक्सेलरेशन उसने कितनी एक्सपीरियंस की. इट्स गोना बी 8/5, दैट्स बी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट, तो आपने रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल ली जो रॉकेट पे लग रही थी उस वक्त, और उस इंस्टेंट के ऊपर वो भी आपने डिटरमिन कर लिया. ये एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी, उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स वेरी करेगी. सही, लाजी बात है भाई, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर. तो जितनी ज्यादा स्पीड आपका व्हीकल गेन करेगा, एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है. ये ऐसी मिसाल हमने पहले भी दी थी कि अगर आप एक कार में ट्रैवल कर रही है और अपना हाथ बाहर निकालती है उस कार में से, तो अगर कार स्लो चल रही है तो आपके हाथ पे एयर इतनी ज्यादा फोर्सफुली स्ट्राइक नहीं कर रही होगी. लेकिन अगर द कार इज ड्राइविंग रियल फास्ट और आप उस वक्त अपना हाथ कार की विंडो में से बाहर निकालती है तो यू विल एक्सपीरियंसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ योर ग्रेटर वेलोसिटी. तो योर एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एज वेल. तो रॉकेट जैसे जैसे स्पीड अप होगा एयर रेजिस्टेंस उस पर बढ़ती चली जाएगी. तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ इस वक्त की है, ये थ्रू आउट नहीं है, ये डिक्रीज होगी. और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि आपके पास भी जो रॉकेट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पर ट्रेवल करना शुरू हो जाए. अब ये है पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू वेक्टर डायग्राम की एनालिसिस करना. ठीक है, तो इसकी एनालिसिस ये है कि मैं कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि एक और क्लास ले लूं आपकी, उसमें करवा दूं, क्योंकि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी. तो उसमें प्रोट्रैक्टर, कंपास, ये सब चीजें चाहिए होती हैं. और सर उस लिस्ट मुझे बता दीजिएगा सुबह आके बाय देन मेरे पास. ठीक है, आप कर लो, आज ही कर लो, कोशिश करो कि आपके पास हो ताकि अगर हम कल क्लास लें तो एटलीस्ट हम आपके जी सर इंशाल्लाह. इसमें वैसे डिटेल के अंदर काफी मैंने समझाया हुआ है सारे स्टेप्स. तो अगर आप खुद भी इसको देखोगे ना, अगर बैठ के इंस्ट्रूमेंट एक दफा आपके पास आ जाता भाई की नजर, अगर खुद भी देखना चाहो तो आप सही समझ सकते हो कि आपका प्रोसीजर क्या होता है. लेकिन ये मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है इसका जो इसी के साथ साथ मुझे अटेम्प्ट करवाना.
बहरहाल अभी तो हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर. न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इट सेज दैट, जनरल जो पुरानी पुरानी स्टेटमेंट हमेशा में याद रखते हैं हम, कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड वेरी फेमस स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ. लेकिन अब मैं चाहूंगा कि हम जो स्टेटमेंट लिखे वो थोड़ा सा कह लो कि प्रोफेशनल तरीके से स्टेटमेंट लिखी जाए, कि भाई जो असल में न्यूटन्स के थर्ड लॉ के पॉइंटर्स को क्लियर कर दिए. तो थोड़ी सी डिटेल्ड स्टेटमेंट न्यूटन के थर्ड लॉ की है कि भाई इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी body b exerts an equal and opposite force on body. isme ek badi aham cheez clear hui hai ki jo action reaction pair hai वो एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे, वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे. एक फोर्स बॉडी ए पे आ रही है तो एक फोर्स बॉडी बी के ऊपर आ रही है. इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी, बी वुड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए. सही, यानी अगर ए एक्शन अप्लाई कर रहा है बी के ऊपर तो बी इज द वन विच इज रिसीविंग द एक्शन फोर्स. तो बी जो है वो ए को रिएक्शन देगा. रिएक्शन फोर्स विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय बी, रिएक्शन फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ए. ये इन दोनों में फर्क है. तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन बना दूं कि भाई अज्यूम कीजिए कि ये एक वॉल है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं. सी दिस इज अ वॉल एंड अ मैन इज स्टैंडिंग say like this, ek banda is tarah se khada hua hai standing against the wall. ye hai body a, matlab main man ko body a bol deta hu aur jo wall hai use body b bolta hu. to agar hum is portion ko analyze kare jahan pe dono contact mein hai, uska palm aur uski wall, agar is portion ke analysis ho तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बना सकता हूँ. ये अगर मिसाल के तौर पर उसका ये वॉल का पोर्शन था और लेट्स से यहाँ पे उसका ये पाम आ रहा है, ठीक है. तो इस पाम की वजह से जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी ऑन द वॉल. सही, दिस इज एक्शन. सही, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द पाम. और जो रिएक्शन मिल रहा होगा वो रिएक्शन पाम के ऊपर आ रहा होगा, वॉल की वजह से जो रिएक्शन आ रहा है. ओके, तो एक्शन फोर्स एक बॉडी पे, रिएक्शन फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर. इक्वल तो होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. मतलब अगर एक फोर्स आपके पास 100 न्यूटन की है तो अगली भी 100 न्यूटन की, एक अगर 10 या 5 न्यूटन की है तो अगली फोर्स भी 5 न्यूटन की होगी, लेकिन एक अगर प्लस 5 है तो अगली माइनस 5 होगी. द डायरेक्शंस आर गोइंग टू बी ऑपोजिट टू वन अनदर. इस चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है. तो यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो फोर्सेज होती है एक्शन रिएक्शन पेयर वाली, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. दो बातें तो कॉमन है कि भाई दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड with their opposite in direction, ठीक है. तीसरा
they're of the same type. और एक और चौथी प्रॉपर्टी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती। सेम टाइप का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक्शन फोर्स अप्लाई की, मिसाल के तौर पे पुश फोर्स, और आपको जो रिएक्शन मिल रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रही है या मैग्नेटिक अट्रैक्शन मिल रही है, ये टाइप अलग हो गए फोर्स की। अगर आपके पास एक्शन फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल पुश फोर्स की फॉर्म में, कॉन्टैक्ट फोर्स की फॉर्म में, तो रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स की फॉर्म में है। अगर एक्शन नॉन कॉन्टैक्ट है तो रिएक्शन भी नॉन कॉन्टैक्ट है। दो किस्म की वैसे जनरल फोर्सेज होती है, मैंने देख लेता हूँ, मेरे शायद अगर आपके साथ जिक्र नहीं किया है तो मैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का भी जिक्र कर देता हूँ। नहीं हुआ, तो मैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का वैसे कहीं पे कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होती हैं जो उस वक्त एग्जिस्टेंस में आती हैं जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट बनाए। तो फोर्स come into existence when two bodies come in contact. Example, push force, pull force, ये tension, compression, friction. सही, इस थारी में फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, उस वक्त तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगी जब तक आप उन दोनों बॉडीज के आपस में कांटेक्ट नहीं बनाते। मतलब मैं एक डोर को बगैर कांटेक्ट में आए धक्का नहीं दे सकता। आई नीड टू हैव अ कांटेक्ट विद द बोर्ड ऑफ द डोर ताकि मैं उसके फोर्स अप्लाई कर सकूं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिनमें कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता। दीस फोर्स कम इनटू एक्शन, forces come into existence even if there is no contact. See, between bodies. Example, agar aap non contact force ki baat kare to yahan pe aapke paas ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ये सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देयर इज नो नीड कि भाई दोनों प्लैनेट्स दोनों मासेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए। अगर उन दोनों के दरमियान में सेपरेशन है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। दो चार्जेस अगर एक दूसरे से दूर है इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। दो मैग्नेट्स अगर एक दूसरे से दूर है मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक पुल या मैग्नेटिक पुश एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हमेशा फील्ड होती है। दे हैव अ फील्ड ऑफ फोर्स, सी उनकी फोर्स की एग्जैक्ट थ्री डायमेंशनल फील्ड होती है, एक एनवायरमेंट होता है जहां उनका, जहां उस मास की या उस एंटिटी की प्रेजेंस फील की जा सकती। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर कोई फील नहीं होती कि भाई कोई पुश फोर्स की फील नहीं होगी, टेंशन की फील नहीं होगी, कंप्रेशन की फील नहीं होगी। दे हैव नो फील्ड्स, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हमेशा फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, मैग्नेटिक फील्ड, ये तमाम फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है। इसमें कोई मसला? अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने दी हुई थी, इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे एक बुलेट फायर की गई है गन से, ठीक है, तो एक एक्शन है जो बुलेट पे लगा जिसकी वजह से बुलेट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती भी गई,
और एक आपके पास रिएक्शन है जो कि गन के ऊपर रिकॉइल की फॉर्म में आया, गन के ऊपर जो रिकॉइल की फॉर्म में आया आपके पास। यहां पे एक्शन द पुश ऑन द बुलेट और जो रिएक्शन है वो पुश या रिकॉइल ऑन द गन, सही, एक फोर्स बुलेट पे लगी, एक फोर्स गन के ऊपर एग्जर्ट हुई, ये दोनों फोर्सेस आपके पास कह रहे हो डिफरेंट है, डिफरेंट बॉडीज पे एग्जिस्ट कर रही है लेकिन नेचर की सेम है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। सही, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते ना, ये कांटेक्ट है क्योंकि बुलेट को जिस वक्त फायर किया गया था तो बुलेट के पीछे, बुलेट के अंदर ना वो गन के अंदर एक हैमर लगा होता है जो बुलेट के ऊपर स्ट्राइक करता है जिससे कंबशन होती है और लाजिम बात है जो गैसेस होती हैं वो बुलेट को आगे प्रेस करती हैं और गन को पीछे प्रेस करती है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि अ लेडी वॉकिंग फॉरवर्ड, तो शी इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, सही है, जो कि रिएक्शन है, ये कह सकते हो कि एक तरह से एक्शन बोल सकते हो उसको इफ यू वांट टू, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इफ दिस इज एन एक्शन फोर्स, तो जो रेड कलर का एरो बना हुआ है दैट इज द रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, सही, वो ग्राउंड से आने वाला रिएक्शन है आपके पास। ये दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे एक्शन इज द पुश ऑन द ग्राउंड, सही है, बाय द पर्सन, सही, एक्शन ग्राउंड पे लगा, जो रिएक्शन आया, रिएक्शन इज द पुश बैक ऑन द फीट ऑफ द पर्सन, फ्रॉम ग्राउंड, सही, रिएक्शन फीट के ऊपर आया आपके पास, एक्शन वॉज ऑन द ग्राउंड एंड द रिएक्शन वॉज ऑन द फीट ऑफ द पर्सन, आपके पास ये एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एग्जिस्ट करते हुए नजर भी आया। फिर इसी तरह इस बॉय का दिखाया गया, ही इज ट्राइंग टू पुश ऑन द बोट एंड द बोट इज ट्राइंग टू पुश हिम फॉरवर्ड, सी, एक ये चीज भी है कि भाई एक्शन ऑन बोट एंड द रिएक्शन on the feet, reaction आपको feet पे मिल रहा है। और इसी तरह rocket का भी मामला है, जब ये सारी exhaust gases इसमें से निकल रही है तो the exhaust gases are pushing the gases, यानी जो अंदर का pressure buildup हुआ था ना combustion की वजह से, इसने gases को बाहर की तरफ फेंका, that was the action force which was exerted on the gases, जब gases बाहर निकली उन्होंने रिएक्शन एग्जर्ट किया रॉकेट के ऊपर जो कि रॉकेट को एक तरह से थ्रस्ट फोर्स की फॉर्म में मिला, जो रॉकेट आगे बढ़ता है ना थ्रस्ट फोर्स की वजह से, वो थ्रस्ट फोर्स असल में उन गैसेस के एग्जॉस्ट की वजह से, ये जब गैसेस एग्जॉस्ट होती है बाहर तो दे एग्जर्ट अ रिएक्शन ऑन द रॉकेट एंड दैट रिएक्शन फोर्स कॉजेस द रॉकेट टू मूव फॉरवर्ड, ऐसा जैसे बलून में हवा भरो और फिर बलून को छोड़ दो, तो जब बलून में से एयर बाहर निकलेगी वो एक्शन है और उस बलून में से एयर बाहर निकलने की वजह से उस बलून के ऊपर एक रिएक्शन पड़ेगा जिससे वो बलून आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे द एक्शन ऑन द एग्जॉस्ट गैसेस एज द रिलीफ रॉकेट, और रिएक्शन जो है
वो रॉकेट के ऊपर आएगा अपना खुद का, ड्यू टू एग्जिट ऑफ गैसेस. रिएक्शन रॉकेट पे आ रहे हैं, एक्शन एग्जॉस्ट गैसेस पे. ये आपके पास इस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर्स भी इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं. हमेशा एक बात याद रखना इस चीज में कि ये दोनों फोर्सेस कभी भी एक बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे. क्योंकि एक अक्सर सवाल आता है, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे उसके अंदर, कि भाई अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है हमारे पास, और इस ग्राउंड पे हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया. ठीक है, इसमें दो फोर्सेस ड्रॉ की जाती है, एक है नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक. क्योंकि जब आप जमीन पे खड़े होते हो ना, तो जमीन आपको पुश करती है वापस. सो दिस इज द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक. सॉरी, सो ये आपके पास वेट है ब्लॉक का. This is the normal reaction. ये दोनों action reaction pair नहीं है. They're not the action reaction pair of forces. They're not Newton's third law pair of forces. अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो reaction force ही block पे है और वेट भी ब्लॉक का है. रिएक्शन फोर्स भी ब्लॉक पे आ रही है और वेट भी ब्लॉक के ऊपर आ रहा है. ये एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस नहीं है. इन दोनों को आप कैंसिल करवा सकते हो, एक दूसरे से एक इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. लेकिन ये मत समझना कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है. दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस. सही, दिस इज बिकॉज वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन द ब्लॉक. ये दोनों चीजें ब्लॉक के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है. ये थोड़े से एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि इसको हम हमेशा ये समझते थे कि भाई ये एक्शन वेट और ब्लॉक के ऊपर जाने वाली फोर्स है उसका रिएक्शन हो गया. तो ऐसा नहीं होता. दिस डजंट हैपन. देयर आर स्लाइट मिसकंसेप्शंस जो कि क्लियर होनी चाहिए वक्त के साथ साथ इंसान की, ताकि वो इम्प्रूव कर सके इन चीजों को. इसकी जो डिटेल आती है ना कि फिर इसका एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, वो आती है आपके पास असल में एएस के अंदर. कि वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड होता है कॉन्सेप्ट, ये उसको एएस में जिक्र किया जाता है. अब हम बात करते हैं जरा फ्रिक्शन के ऊपर. फ्रिक्शन फोर्सेस के अंदर अगर हम जिक्र करें तो फ्रिक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज अ रेजिस्टिव फोर्स जिसका काम होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करना. वो हमेशा एक ही काम करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करने का काम. इट ट्राइज टू स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट. सो यू डिफाइन फ्रिक्शन फोर्स, यू से इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो डाउन moving objects. See, ये friction की definition. अब friction क्योंकि opposing force है, इसलिए वो हमेशा movement के opposite लगेगी. Object जिस direction में move करेगा वो उसके opposite लगेगा. और वो आती भी उस वक्त है जब दो bodies एक दूसरे के relative move करें. Relative move करने का मतलब ये है कि एक body अगले body के ऊपर translate करना शुरू हो जाए.
जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ एक सरफेस है, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर ये ब्लॉक उस सरफेस के ऊपर ट्रांसलेट करेगा तो आपके पास फ्रिक्शन आएगी, और उसकी वजह उन्होंने यहाँ दिखा दी कि जो असल में रीजन होता है फ्रिक्शन का वो सरफेसेस की जो अनइवननेस है, जो उसकी क्रूपनेस है, वो वजह बनती है आपके पास फ्रिक्शन की। जो इसकी अनइवन सरफेसेस होती है वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होना शुरू हो जाती है, फंसना शुरू हो जाती है, और हम उसको जब मूव कराते हैं तो इस अनइवन सरफेस की लॉकिंग की वजह से हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस सामने आते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस सामने आते हैं। ये असल आपका रीजन है resistive force का, friction force का। So it will always act away or in opposite to the direction of motion। कुछ फायदे हैं friction के, जैसे it helps to grip, it helps to walk as well, वरना आपके पैर फिसलते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर किसी जगह में फिक्स नहीं होंगे या फ्रिक्शन की वजह से रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी उस वक्त तक आप आगे नहीं जा सकते। और इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस हीट, ये इसके बेनिफिट्स में हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे सर्दियों के अंदर व्हाट वी डू, वी रबर हैंड्स टुगेदर व्हेन वी फील कोल्ड, सही। The reason why we rub our hands together, because of friction we produce heat energy, see, and we use that heat energy to warm ourselves. So friction is actually helpful in producing heat energy. Welding techniques hain kuch, weld samajhte hain metals ko jodte hue, aapne dekha hoga welding ke through kuch welding techniques industries mein aise use hoti hai jisme do metal ke pieces ko ek dusre ke samne laake, matlab do cylinders hain unko mujhe unke heads ko join karna hai, तो वो सिलेंडर्स के हेड्स को ज्वाइन करते हैं और बहुत हाई स्पीड पे एक दूसरे के रिलेटिव उसको रब करते हैं। जब रब करते हैं ना तो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से कि मेटल उस जगह से मेल्ट कर जाता है, और जैसे ही मेटल मेल्ट करता है वो रबिंग रोक देते हैं और वो जो पिघला हुआ मेटल था ना वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो उस जगह से मेटल जुड़ चुका होता है। मतलब ने अलग से किसी और मेटल से उसमें वेल्डिंग नहीं की, आपने उन दोनों मेटल्स को इतनी हाई स्पीड पर रब किया एक दूसरे के साथ कि वो पिघल के एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, और जब वो सूखा मेटल वो फ्रीज हुआ वापस सॉलिडिफाई हुआ तो वो बॉन्ड बन चुका था वहां। दिस इज समथिंग दैट वी डू विद कैंडल्स इफ यू रिमेम्बर, सही। आप क्या करते हो, एक मोल्टन वैक्स जो है वो गिरा देते हो एक जगह पे और फिर उसके ऊपर कैंडल प्लेस कर देते हो। उससे क्या होता था कि जो मोल्टन वैक्स आप वहां गिराते थे और उसके ऊपर कैंडल प्लेस करते थे, जो वैक्स सॉलिडिफाई होती थी तो वो जो दूसरा आपके एक्चुअल कैंडल है उसके साथ मिक्स हो जाती थी, तो एक कंप्लीट एंटिटी बन जाया करती। लेकिन लाजमी सी बात है कि वो इतना ज्यादा परफेक्टली नहीं होती थी वो थोड़ी देर में अलग हो जाता था, लेकिन दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। डिसएडवांटेजेस के अंदर ये है कि it results in the wear of machine parts, parts ghis jate hain friction ki wajah se, jaise cycles hoti hai, cycle mein jo chain hoti hai uska sprocket hota hai, bahut time tak agar aap cycle chalate raho क्या होता है भाई, घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, उखड़ना शुरू हो जाएगा वहां से मटीरियल। तो एक मसला आपके पास ये आता है, रिजल्ट्स इन द वेयर एंड टियर ऑफ मटीरियल मशीन पार्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा, इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी। हर दफा हीट बनना आपके फायदे की चीज नहीं है, कभी नुकसान होता है। जैसे एक मोटर है, सही है, या मिसाल के तौर पर आपके पास आपकी साइकिल है, आप साइकिल चला रही है और ब्लड से आपने ऑयलिंग नहीं की हुई, ग्रीसिंग नहीं की हुई है चेंज प्रॉकेट की, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपकी ज्यादातर एनर्जी जाया हो रही होगी, आपकी साइकिल अपनी स्पीड गेन नहीं कर पा रही होगी, यू बी पेंडिंग वेरी हार्ड बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी वुड बी लॉस्ट एज हीट एंड समटाइम्स साउंड एज वेल। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा तो आवाज भी बनती है ना, खिचड़ी खिचड़ी किस्म की एक आवाज आ रही होती है बाकायदा, इट कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी एज वेल।
जिसकी वजह से तीसरा नुकसान आता है कि द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन फॉल्स, वो जितने अच्छे तरीके से मशीन काम कर सकती थी उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। The efficiency of the machine falls. ये फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज, नुकसान हुआ। So ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हमने भी देख लिए फ्रिक्शन के। इसको कम करना है अगर फ्रिक्शन को, उसके कुछ रास्ते हैं, जैसे सबसे पहला लुब्रिकेट करो, लुब्रिकेट द सर्फेसेस। जैसे अगर डोर्स हैं, डोर्स के हिंजेस में फ्रिक्शन हो जाती है जंग लगने की वजह से, खराब हो जाती है, तो व्हाट डू यू ऐड सम ऑयल ओवर देयर। सी, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड ऑयल, ऑयल डालने की वजह से, जैसे ये है डायग्राम आपको राइट पे नजर आ रही है, दोनों सर्फेसिस के दरमियान में एक लेयर आ जाती है। ये लेयर एक लेस रेजिस्टेंस लेयर होती है, तो दोनों सर्फेसिस पे स्लाइड कर पाती है आराम से, फ्रिक्शन कम हो जाता है, दरवाजा खोलना बंद करना आसान हो जाता है, और हम कहते हैं कि भाई ये अब सही है, बेहतर, अब आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। पहले क्या था, फोर्स काफी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ रही थी उसको ओपन करने के लिए। तो वन वे यू लुब्रिकेट द सर्फेसेस, दूसरा यू पॉलिश द सर्फेसेस। यानी उसको स्मूथ कर दो, सर्फेसेस को स्मूथ कर दो बिल्कुल, ताकि वो आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके, ये क्रूपनेस या अनइवननेस कम हो जाएगी। और तीसरा, यूज बॉल बेयरिंग्स। सर, बॉल बेयरिंग्स होता ही है, ये इसकी इमेजिनेशन ऐसे रख लो जैसे ट्रॉली आपके घर में, ट्रॉली के नीचे व्हील लगे हुए, अगर एक ट्रॉली ऐसी हो जिसमें व्हील्स ना हो और आपको बोला जाए कि मैं इसको आप धक्का देते हुए लेके जाए, इट्स डिफिकल्ट, इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम यू। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रॉली ऐसी है जिसमें आपके पास नीचे व्हील्स लगे हुए, इट्स इजी फॉर यू टू मूव द ट्रॉली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो व्हील रोल करना शुरू हो जाता है, उनके अंदर जो फ्रिक्शन आती है वो कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। चीज जब स्लाइड करती है तो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, चीज जब रोल करती है तो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मूव, हेंस द रेजिस्टेंस रिड्यूसेस। आपके व्हील्स देख लो, टायर्स गाड़ियों के सारे रोलिंग फ्रिक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, साला साल चल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको देखो जो ड्राइवर्स अक्सर जो है वो शोबाजी के अंदर ड्रिफ्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये डोनट सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप व्हील्स को रब करते हो, क्योंकि जब ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो व्हील रोटेट नहीं करते ज्यादा, वो स्लाइड करते हैं रोड के ऊपर, ट्रांसलेशन होती है, जब व्हील्स स्लाइड करते हैं तो थोड़ी देर के अंदर आपकी व्हील घिस जाते, खराब हो जाते हो, वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। तो बॉल बेयरिंग लगाने से रोलिंग फ्रिक्शन आती है, जिससे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है। मैं ये लिख देता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द व्हील्स आप कैसे शो करो। एक व्हील है, मैं उस व्हील के ऊपर पुश फोर्स लगा रहा हूं, पुश फोर्स लगा के मैं व्हील को फ्लोर पे स्लाइड करवा रहा हूँ। सी, पुश फोर्स अप्लाई करके मैं व्हील को फ्लोर के ऊपर स्लाइड करवाने का काम कर रहा हूँ। जब मैं व्हील को स्लाइड करवाऊंगा, व्हील आगे की तरफ ट्रांसलेट होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो उस पर इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी। दैट्स गोना बी योर फ्रिक्शन फोर्स। मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। लेकिन अगर व्हील रोटेट कर रहा है,
जैसे यहाँ पे दिखाया रोलिंग टॉर्क है, द व्हील इज रोटेटिंग, इस वक्त फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ, ऐसा क्यों? देखो व्हेन द व्हील इज रोटेटिंग, आप इसकी मूवमेंट देखो, इट्स ट्राइंग टू मूव बैकवर्ड्स, ऐसे रब हो रहा है कि राइट से लेफ्ट पे जा रहा है, तो आपके पास फ्रिक्शन क्या होती है भाई, मूवमेंट के ऑपोजिट। तो जब व्हील रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इट्स ट्राइंग टू रब बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आप रोलिंग इन द सेंस इस तरह से देखो, अगर ये स्किड करता है इस वक्त, अगर व्हील इस वक्त स्किड करता तो क्या होता, इट वुड रब बैकवर्ड्स, रब करता पीछे की तरफ, रब करता। तो फ्रिक्शन जो है इस केस में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के, मैं ये नहीं बोला कि गाड़ी पीछे जा रही होगी, भी गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन जो है इट कुड आल्सो बी एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा वो रिड्यूसिंग इफेक्ट होगा। फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो रिड्यूसिंग इफेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट को रोकेगा, क्योंकि गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए व्हील इस तरह से रोटेट कर रहा था और फ्रिक्शन उसे इस तरह से रोटेट होने नहीं देगा। तो आपके पास फ्रिक्शन का इफेक्ट अभी भी एनर्जी लॉस वाला ही है, लेकिन इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना कि कौन से केस में आपसे बोला जा रहा है कि आप फ्रिक्शन ड्रॉ करके दें, आपको व्हील पुश करवाया जा रहा है या आपका व्हील रोटेट हो रहा है, दोनों बातें जो है बड़ी अहम है। जब आप इसको समझ लो उसके हिसाब से फ्रिक्शन की डायरेक्शन को बनाना। यहां तो क्या मसला फ्रिक्शन में, नहीं सर एवरीथिंग इज क्लियर। ऑलराइट, गिव मी 2 मिनट्स, जरा पानी पी लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं सर। पहले हम बात करेंगे जरा टाइप ऑफ डिस्टेंसेस की, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप के डिस्टेंसेस होते हैं जब सिस्टम मूव करता है ना। एक होता है थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है लेकिन डायनेमिक्स में जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो फैक्टर्स इस डिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं वो डायनेमिक्स में आ जाते हैं। तो थिंकिंग डिस्टेंस का ताल्लुक ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्राइविंग योर कार एंड यू सी अ हैज़र्ड अहेड, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू दैट हैज़र्ड। ब्रेक अप्लाई करना है इसको, इसमें सोचने के बाद आपके एक्शन तक होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज द थिंकिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रैवल व्हेन द ड्राइवर इज थिंकिंग टू अप्लाई ब्रेक्स। सही, वो डिस्टेंस जो उस वक्त ट्रैवल हो गया जब ड्राइवर सोच रहा था कि वो मुझे ब्रेक्स अप्लाई करने, दैट डिस्टेंस कॉल्ड द थिंकिंग डिस्टेंस। फिर अगला हमारे पास आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हेन द ड्राइवर हैज अप्लाइड द ब्रेक्स एंड द कार इज स्लोइंग डाउन टू कम टू रेस्ट। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड when brakes are applied and the vehicle comes to rest. उस दौरान जो distance travel हो braking distance हो, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो rectangle है आपका यह थिंकिंग डिस्टेंस, सही, जिसको आप लेंथ इन टू विड्थ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया आपको डिस्टेंस बताता है। तो 10 इंटू 0.5 आप एरिया से निकाल सकते हैं, उसमें आपका जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर्स का है और जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल जो आपके पास बना हुआ है, दिस ट्रायंगल इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो ट्रायंगल का एरिया आप डिटरमिन कर लो हाफ बेस इनटू हाइट से। बेस में आपके पास 0.5 से 1.5, ये हो गया 1, हाइट आपके पास 10 है, ये भी आपके पास 5 मीटर है। ठीक है, तो इस वक्त आपका थिंकिंग डिस्टेंस भी 5 है, इस वक्त आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी 5। अब इस डिस्टेंस के ऊपर अगर आपके ब्रेक्स खराब हो या आपका रोड वेट हो या आपके टायर्स खराब हो, if the brakes are worn out or if the tires are worn out or if the road is wet, in teenon cheezon mein ek masla aata hai, wo hota hai ki friction force kam ho jati hai. If the brakes are worn out or the tires are worn out, there's less friction between the road and tires or between टायर्स एंड ब्रेक्स। अगर ब्रेक्स खराब है तो टायर और ब्रेक के दरमियान में फ्रिक्शन कम हो जाए, अगर टायर्स ही खराब है तो टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन कम होगा, टायर स्किड करेगा, फिसलेगा, स्लिप करेगा। देयर इज लेस फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स और बिटवीन द टायर्स एंड द ब्रेक्स, हेंस डीसेलरेशन डिक्रीजेस। डीसेलरेशन कम हो जाती है आपके पास, जिस वैल्यू से पहले वो अपने आप को स्लो डाउन कर रहा था अब उससे स्लो डाउन नहीं करेगा, एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज। क्योंकि स्लो होने का टाइम बढ़ जाएगा ना, इसलिए ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा।
और यही मामला उस वक्त आएगा अगर रोड आपके वेट हो, there will be less friction between the road and the tires. सही, आपके पास फ्रिक्शन कम हो जाएगी उसमें. सही, तो अब मामला ये होगा कि भाई रोड जो है वो स्लिप कर रहा होगा, टायर्स वुड स्लिप, यू विल हैव लेस डिसेलरेशन. So more distance. ये वाली बात. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस पे ग्राफ बना के बताइए, अगर टायर्स बहुत ज्यादा खराब हो जाए या वेट रोड हो या ब्रेक्स खराब हो तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, आगे की तरफ जाके रुकेगी गाड़ी, रुकेगी लेकिन आगे की तरफ जाके रुकेगी. इफ यू हैव फॉर एग्जांपल लेस फ्रिक्शन, दैट कैन बी ड्यू टू वर्न आउट टायर्स. सही है, वर्न आउट ब्रेक्स या वेट रोड, कोई भी मसला हो, डीसेलरेशन कम हो जाएगी. पहले जितनी देर में वो रुक रहा था अब उससे ज्यादा देर में रुकेगा, जिसकी वजह से डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल कर लेगा. अगर आप सुखे बोले कि नहीं भाई मुझे बताइए कि अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे नए वाले ब्रेक्स लगा दें तो क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा अच्छे नए वाले ब्रेक्स लगा दें तो ये ग्रीन वाला ग्राफ बनेगा कि भाई बहुत ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन, गाड़ी बहुत जल्दी रुकेगी. इफ यू हैव एक्सट्रीमली न्यू टायर्स, जब नया नया रोड बना है भाई, फ्रिक्शन वगैरह बहुत अच्छी है उसके अंदर, उसके लिए आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा. सो दीज आर द टू वेज इन विच द ग्राफ कैन शिफ्ट. क्योंकि ये चीज एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई आप बताइए, शिफ्ट करके बताइए क्या चेंज आना चाहिए. आप ग्राफ के ग्रेडियंट को चेंज करके बता सकते हो, वुड इट इंक्रीज और वुड इट डिक्रीज. Last, we have the stopping distance. Stopping distance is basically the sum of thinking and braking distance. Okay, जितनी देर में सोचा ब्रेक लगाया उन दोनों का सम स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इस वक्त हमारे पास 10 मीटर है, क्योंकि 5 मीटर हमने थिंक करने में लगाए थे और 5 मीटर हमारे ब्रेक करने में चले. जब हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस बना वो 10 मीटर का बना. क्लियर है? यस सर. सर्कुलर मोशन है, इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर एंड करते हैं. 5-10 मिनट क्लास में ऊपर हो जाए तो मसला तो नहीं है, मतलब यू हैव एनी एरेंज टेक केयर ऑफ? नहीं सर, इट्स ओके. ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल अराउंड अ सर्टेन पॉइंट, वहां पे कौन कौन सी फोर्सेज आती है? इसको अलग से जिक्र करने का रीजन ये है, इमेजिन आई गिव यू अ थ्रेड and a small ball tied to it. See? And I ask you to whirl that stone or whirl that small mass attached to the end of this thread in a horizontal circle. Circle mein ghumao. So when you'll be moving that mass around you in a horizontal circle, you'll feel that it is as if the stone is trying to move out of the circle. Aapko feel hoga ki wo circle se bahar jaane ki koshish kar. And to make sure that it doesn't go out, you will be pulling the thread inwards. Ab thread ko andar wapas khinch rahe ho. See? Ye force aapko alag se experience ho rahi hogi. Isi tarah agar main aapko bolta ki bhai ye stone hai, thread hai, isko vertical circle mein ghumana shuru kar do. To
आपके देखते में पहले जब आप थ्रेड को स्टोन से हैंग करे हुए थे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ रही है, बस उसको होल्ड करके खड़े हुए थे. लेकिन नाउ व्हेन यू आर मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, नाउ यू विल एक्सपीरियंस दैट यू नीड मोर फोर्स टू कीप दैट स्टोन इन द सर्कल. अब आपकी रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ गई. सो देयर मस्ट बी सम एक्स्ट्रा फोर्स कमिंग इनटू एक्शन व्हेन योर सिस्टम इज मूविंग इन अ सर्कल. कोई एक्स्ट्रा फोर्स आनी जरूरी है. आप तो एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, कभी धागे के ऊपर आगे स्टोन बांध दो, पहले उसको नॉर्मल हैंग करना, ऐसे आप फोर्स एक्सपीरियंस करना कि आपको कितनी ताकत लग रही है उसको रोकने के लिए, अपनी पोजीशन पे बस वर्टिकली हैंग करने के लिए. फिर आप उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर दो, आप देखोगे कि नाउ द रिक्वायर्ड फोर्स फ्रॉम योर साइड इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज. और थोड़ी देर अगर आप अपनी स्पीड और बढ़ाते रहे ना तो स्ट्रेंथ टूट जाएगा. पहले नहीं टूटेगा, जब वो हैंग हुआ होगा तब वो नहीं टूट रहा होगा, लेकिन जब आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे होगे रोटेशन की तो एकदम से क्या होगा, स्ट्रिंग वुड ब्रेक एट सम पॉइंट. तो उस दौरान असल में होता ही है कि आपकी स्ट्रिंग में कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ रही होती है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है. तो सर्कुलर मोशन में उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स का. सेंट्रिपेटल फोर्स इज एक्चुअली दैट एक्स्ट्रा फोर्स दैट कॉजेज योर ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल अबाउट अ पॉइंट. एक पॉइंट के अराउंड सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स. तो उसको हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं भाई इट इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल About a point. एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने पे किसी पॉइंट के अबाउट मजबूर कर दे, सेंट्रिपेटल बोलते हैं. सेंट्रिपेटल बेसिकली मीन्स सेंटर लविंग फोर्स. ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है. मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन में आपको सेंट्रिपेटल फोर्स शो करके दिखाऊं तो वो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होती. ये सेंट्रिपेटल फोर्स है. तो बोला इसलिए जाता है सेंट्रीपेटल, सेंट्रल लविंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. FC. तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं होती. ये एक नाम है जो उस फोर्स को दिया जाता है जो उस वक्त किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने में हेल्प. हम कहते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक नेम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक नेम गिवन टू एनी फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट to move in a circle. और ये अभी हम यहाँ पे केसेस डिस्कस करते हैं. जैसे एक स्टोन और स्ट्रिंग का केस था कि भाई स्ट्रिंग थी, उसके आगे स्टोन बना हुआ था और आप उसे सर्कल में मूव करवा रहे थे. सही. तो when this thing was happening, सही, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स थी, खिंचाव आ रहा था, वो सेंट्रीपेटल की तरह काम कर रही. The tension in the string was acting as a centripetal force. Because सोचो अगर वो string टूट जाती तो क्या वो object circle में घूम पाता? वो कभी नहीं घूम पाता, क्योंकि जो string में string की tension थी वही उसको circle में घुमा रही थी. जैसी tension break हुई, force खत्म, centripetal force भी खत्म, उसका circle में घूमना भी खत्म. इसी तरह car making a turn around a corner. अगर car किसी corner के around अपनी for example turn हो रही है तो जो रोड और टायर के दरमियान की फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपेटल की तरह काम कर रही होगी. दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. क्योंकि सोचो अगर फ्रिक्शन कम हो जाती किसी भी वजह से, एग्जांपल ले रहे हो कि भाई
गाड़ी टर्न कर रहे थे, कोई ऑयल का पैच पड़ा हुआ था, गलती से टायर उस पर चढ़ गया, क्या होगा? स्किड कर जाएगी गाड़ी। क्यों स्किड कर गई? फ्रिक्शन कम हो गई। पहले फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी जो उसको सर्कल में रोटेट कर रही थी, अब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो गई, सर्कल में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कार मेकिंग अ टर्न अराउंड अ कॉर्नर, उस चीज के अंदर आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। फिर प्लैनेटरी मोशंस, सही, प्लैनेटरी मोशंस क्या है भाई? स्टार्स, सही, सोलर सिस्टम में आपके पास आपके जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रही है एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। Gravity is causing all the planets to move around the sun. If there is no gravity, the force wouldn't exist. Electrons around the nucleus mein electrostatic force hoti hai. Electrons ka positive charges ke saath attraction wala jo mamla hota hai. Aur ek water agar aap ek bucket mein dalein aur usko mera vertical circle mein guzare, to usme reaction force is acting as a centripetal force. जो बकेट के अंदर रिएक्शन आ रहा होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। क्योंकि सोचो अगर बकेट का जो बेस है वो एकदम से टूट जाए तो पानी जो है वो बकेट के अंदर कंटेन नहीं कर सकेगा, वो बाहर निकल जाएगा उसके अंदर, ये वाला फिनोमेनन। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करती है। सेंट्रीपिटल कोई न्यू फोर्स नहीं है, थर्ड फोर्स नहीं है, डिफरेंट टाइप की, ये सिर्फ तमाम फोर्सेज ही हैं जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है, बस रोटेशन के वक्त ये सेंट्रीपेटल की तरह काम करना शुरू हो जाता है। और अगर कोई हमसे बोले कि भाई इसकी डायरेक्शन बनाए, तो हमें बता देना भाई सेंट्रीपेटल ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका एक रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अभी लगती है, ये वो फोर्स होती है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। जैसे आपको लगता है ना कि स्टोन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टोन बाहर जाने की कोशिश कर रहा था ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असल में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज है, या सेंटर हीटिंग फोर्स है। सेंटर से हमें लगती है चीज को बाहर फेंकने की कोशिश करती है, और आप उसको अंदर की तरफ पुल कर रहे होते हो सेंट्रीपेटल की तरफ। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको ये बोलता है कि जनाब जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स आएगी उसी डायरेक्शन में सिस्टम एक्सेलरेट भी करेगा, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन both act towards the center of rotation. See, Newton's second law. कि जहां resultant force उसी direction में acceleration, net force and acceleration in same direction. इसलिए एक्सेलरेशन को भी यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोला गया, सही, सेंटर की तरफ एक्ट होती है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी उस पॉइंट के टेंजेंट पे होती है। क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर आप एक स्टोन को सर्कल में घुमा रहे हो और एकदम से आप उस थ्रेड को रिलीज कर दो, सही, आप उस थ्रेड को रिलीज कर दो, जैसे ही आप थ्रेड रिलीज करोगे आपके पास जो थ्रेड है एक ही डायरेक्शन, वो थ्रेड बोलना जो स्टोन है वो उसी डायरेक्शन के टेंजेंट पे भागेगा जिस पॉइंट पे आपने उसे रिलीज किया। जैसे यहाँ पे इफ आई से दैट द स्टोन वाज मूविंग लाइक दिस, इट वाज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे आप रिलीज करोगे, सही, थ्रेड या ब्रेक हो जाए या आप रिलीज कर दो, तो वो उसके टेंजेंट पे चलेगा।
अगर किसी और पॉइंट पे होता आपका थ्रेड या स्टोन, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जिस्ट करता आपका स्टोन, तो सेंट्रीपेटल फोर्स अभी यहाँ पे कर रही होती, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलो वेलोसिटी, वेलोसिटी वुड हैव बीन हियर, टेंजेंट। इसी तरह से इफ द स्टोन वुड हैव बीन इन दिस पोजीशन, वेलोसिटी वुड हैव बीन हियर, हमेशा उस पॉइंट के टेंजेंट को, तो वेलोसिटी x tangent the point of rotation, see in the circle, ye cheez aapke paas velocity ke liye, centripetal force, centripetal acceleration, velocity, ye teen cheez humne circular motion mein show kar, ठीक है भाई। कल के बारे में इंशाल्लाह मैं नंबर आपको रात तक बता दूँ कि क्लास कितने बजे में